नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दौरान एक बार फिर पुरानी परंपरा का निर्वहन किया गया। विधानसभा की ओर से उत्कृष्ट कार्यों के लिए संसदीय पुरस्कारों का ऐलान हुआ, जिसके तहत बेस्ट मंत्री, विधायक, पत्रकार और विधानसभा के बेस्ट अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान हुआ। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत कई जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं। तो आइए आपको दिखाते हैं इस सम्मान समारोह की झलकियां। तो विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की पहल पर एक बार फिर सम्मान समारोह की परंपरा शुरू हुई और बजट सत्र की रौनक तब और बढ़ गई जब श्रेष्ठ कार्यों के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए और इन पुरस्कारों के लिए नामों का चयन किया पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीता शरण शर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति की ओर से। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश किया और इसके बाद सभी हस्तियां विधानसभा के सभागार में पहुंची, जहां लंबे अरसे बाद संसदीय पुरस्कार प्रदान करने के लिए मंच सज चुका था। मौका था पिछले एक साल में विधानसभा के भीतर श्रेष्ठ कार्य करने वाले मंत्री, विधायकों, पत्रकारों और अधिकारी कर्मचारियों के सम्मान का। इस मौके को बेहद खास बनाने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी समारोह में शिरकत की। सबसे पहले विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने इस पुरस्कार के इतिहास और उसकी महत्ता के बारे में अपनी बात कही। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अपने विचार रखे। मुझे मंच पे आने तक मालूम नहीं था कि मेरा पुरस्कार में नाम है, अन्यथा मैं भी कहीं एडजस्ट हो जाता, पर मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप सबका कि आपने मुझे इस लायक समझा। आपने अध्यक्ष जी बहुत बढ़िया बात कही कि संवाद एक सशक्त माध्यम है लोकतंत्र में, और ये संवाद का अनमोल उपहार सिर्फ इंसान के पास है। जैसे इंसान सिर्फ एकमात्र प्राणी, कहते हैं 84 लाख योनियों में एक योनी हमारी मानव योनी है, मुस्कुराने का, हंसने का कला सिर्फ इंसान के पास है, बाकी योनियों में किसी के पास नहीं है। ऐसे संवाद है और लोकतंत्र में संवाद का स्थान इसलिए भी ऊपर का हो जाता है क्योंकि संवाद कब, कहां, कैसे करना, ये व्यक्ति के विवेक पे आ जाता है। वो जनसभा में बोल रहा है, वो विधानसभा में बोल रहा है, वो व्यक्ति से संवाद कर रहा है या समूह से संवाद कर रहा है, और हर जगह संवाद की टून बदल जाती है। कौन सी बात कब कैसे कहां कही जाती है और ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और हमारे जनप्रतिनिधियों में बस यही एक बात है, इंसान जब पैदा होता है तो उसे अच्छी तरह से बोलना सीखने में 2 साल लग जाते हैं, लेकिन कब, कहां, क्या बोलना है ये सीखने में पूरी उम्र निकल जाती है। विधानसभा में जब हम बोलते हैं तो विषय पर बोलते हैं, और विषय पे जब हम बोले तो जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि अमृत निकलता है, जन हितैषी बात को सरकार तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम वो फ्लोर है। इसके बाद मंच संभाला विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने, जिनके प्रयासों से एक बार फिर सम्मान की ये परंपरा जीवित हुई। उन्होंने इस पुरस्कार का महत्व को बताते हुए निरंतर परंपरा निभाने का वादा किया। मुझे खुशी है कि इस पुरस्कार को देने के लिए मैंने प्रयास किया, मैंने उसमें सफलता प्राप्त की, उसमें हमारे माननीय विधायकों का, माननीय मंत्रियों का, हमारे अधिकारियों का, कर्मचारियों का भी, हमारे प्रिंट मीडिया के लोगों का, हमारे तमाम पत्रकार बंधुओं का जो योगदान रहा उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से अपने मैंने लोकसभा अध्यक्ष जी को प्रणाम करता हूँ। विधानसभा बहस के लिए, तर्कों के लिए, कुतर्कों के लिए नहीं,
और मैं तो कई बार कहता हूं, मैं अभी जब गया था सम्मेलन में तो वहां प्रस्ताव भी पारित किया था कि विधानसभा को एक संवैधानिक स्थिति के भीतर इतने दिन अपने को चलाना, विधानसभाएं बार बार कम दिनों की हो रही है, लोकसभाएं कम दिनों की हो रही है, और संसदीय उसके लिए परंपरा के लिए शायद यह ठीक नहीं होगा, परंतु विधानसभा को चलाने के केवल दिन से तय करके अपने को तारीखों से गिनती नहीं करना। विधानसभा केवल हम इसलिए नहीं चलाते कि 11 बजे हम असेंबली में आकर के बैठे, हमारे कुछ माननीय सदस्य बेल में आकर के खड़े हो जाए और नारा लगावे और आधे घंटे बाद हम स्थगित करके दूसरे दिन के लिए तय करके फिर दूसरे दिन आवे, फिर दूसरे दिन बढ़ा दे। इसके लिए गणना नहीं करना। गणना हम कितना काम किया, यदि 5 घंटे का समय मुकर्रर है तो आप बात करिए हम सबसे, हम सब मिल करके तय करेंगे। 5 घंटे को हम 8 घंटे कर सकते हैं, 10 घंटे कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं इसी विधानसभा के भीतर आपके तर्कों से, आपके मंथन से जो एक तरह से अमृत निकलता है, वो अमृत प्रदेश के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए होता है। इसलिए उस अमृत मंथन में लगो, अमृत मंथन में लगने की आवश्यकता मैं ये आगाह करना चाहता हूं। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने पुरस्कारों के लिए चयनित नामों का ऐलान भी किया तो ये भी बताया कि किस प्रकार मंत्री विश्वास सारंग ने अपने व्यवहार से सभी का दिल जीत लिया। हमारे उत्कृष्ट मंत्री सम्मान के लिए सबसे पहले मैं विश्वास सारंग जी को धन्यवाद करना चाहता हूं। खड़े हो जाइए भाई, सब देख लें भैया। मुख्यमंत्री जी इनके नाम पर विचार समिति कर रही थी तो स्वाभाविक बुला करके मैंने पूछा, इन्होंने अपने से ये कहा कि नहीं हमारे नाम को बाहर करो, हम नहीं करेंगे किसी हमारे स्थान पर किसी को दूर। ये स्वागत योग्य कदम था विश्वास सारंग। उत्कृष्ट मंत्री पुरस्कार के लिए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, श्री भूपेंद्र सिंह जी, श्री जगदीश देवड़ा जी वित्त मंत्री, उत्कृष्ट विधायक सम्मान के लिए श्रीमती झूमा ध्यान सोलंकी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस, श्री यशपाल सिंह सिसोदिया जी, श्री जयवर्धन सिंह जी यूथल कांग्रेस, विशेष उत्कृष्ट विधायक सम्मान श्री बहादुर सिंह माहितपुर विधायक,